यूपी निर्वाचन को नहीं आज देखा मिली एक बड़ घटना। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी कार ऊपर को फायरिंग गुड़माड़ होती। फायरिंग को नहीं यूपी राजनीति में बड़ हलचल देखा मिली। घटना मेरठर छिजारिस टोल प्लाजा निकट में घटी। मेरठर किठोर एक निर्वाचन कार्यक्रम में जोगदेवापर ओवैसी दिल्ली फेरुले। छिजारिस टोल प्लाजा निकट में दुईज युवक गाड़ी उपरको तीन चार राउंड गुड़ फायरिंग करते। फायरिंग में ओवैसी निश्चिंत मृत्यु मुखर अल्प के बर्ती जाते। तेज गुड़माड़ जो कार चक पंचर होवैसी आउ एक गाड़ी में घटनास्थल दिल्ली अभिमुखे बाहरी। ओवैसी गाड़ी उपर फायरिंग खबर मिलवा मात्रे घटनास्थल में पुलिस पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी मैंने भी पहुंची। पुलिस जड़े युवक को यह मामलों अटक रखी। युवकर परिचय जमापड़ी कहते हापुर अतिरिक्त एसपी अभियुक्त नोएडार सचिन से तार सांग मिशी फायरिंग करी। तेज सचिन ठार पुलिस 9 mm पिस्तल जबत करी। ओवैसी बयानबाजी में सचिन असंतुष्ट होता से कही सचिन कही फायरिंग करी जहाँ से पुलिस निकट में बयान दे ओवैसी जो भाव बयानबाजी करुते से असंतुष्ट थे सांग सहित मिसे आसी से फाइंड आउट करते ओवैसी कौ गाड़ी जाऊँ केत कौटी जाऊँचर से गाड़ी को आसी फायरिंग करते। तेरे फायरिंग करने तेरे उत्तर प्रदेश में आउ एक कथा बर्तमान देखा। उत्तर प्रदेश डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी जिलार सिरात आसन नामांकन पत्र दाखल कर। नामांकन पत्र दाखल करवा बेले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी बीजेपी प्रभारी तथा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और अपना दल मुखिया तथा केन्द्रमंत्री अनुप्रिया पटेल उपस्थित थी देखा मिली। अवसर में केशव प्रसाद मौर्य कहते जनता बीजेपी काम उपर विश्वास और भरोसा रखिंट पुणि थे क्षमता देवा आस्था प्रकट करे। मुं का आशीर्वाद नहीं आसी यूपी विकास और गुंडागर्दी खत्म करने। तेरे विरोध में समाजवादी पार्टी सपा केन्द्रमंत्री अनुप्रिया पटेल का सान भौणी पल्लवी पटेल को निर्वाचन मैदान को ओह्लाई। अपना दलू सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल का माँ कृष्णा पटेल का अपना दल के अखिलेश यादव सहित मेट कर लड़ुच। बड़ भौणी बीजेपी मेटर थे माँ कृष्णा पटेल और सान भौणी पल्लवी पटेल समाजवादी मेटर से सामिल अच्छा। तेरे यहाँ केशव मौर्य को अड़ुआ स्थित पक पारे बोली चर्चा हो राजनीतिक समीक्षक मान कहवा कथा जे हुए तो ए घटना केशव प्रसाद मौर्य समस्या सृष्टि करे। तेरे एक कौन समस्या सृष्टि करना केशव प्रसाद मौर्य कहते कारण यही आसन पूर्व जब देखा जहाँ रेकर्ड कौन 2012 से प्रतिनिधित्व करते केशव प्रसाद मौर्य रिएक्शन देखा तापर कथ आगे बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन देखा खड़े हो जाएं देखिए विपक्ष को अधिकार है हमारे खिलाफ खड़ा होना लेकिन उनको वोट मिलेगा कि नहीं वो लोग वोट देंगे कि नहीं या कितना वोट देंगे या तो 10 मार्च को पता चल पाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि सपा बसपा कांग्रेस सब विरोधी एक साथ मिलकर के लड़े तब भी खिलेगा कमल। 300 से ज्यादा सीटें कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ और भाजपा की आंधी जो 2017 में थी वो 2022 में भी। आजी यूपी प्रचार दिन पश्चिम यूपी में सबु प्रमुख दल बड़ बड़ नेता प्रचार कर बुलंदशहर अनुपसर विधानसभा आसन में आज बीजेपी प्रार्थी भोट भिक्षा कर अमित शाह। सामली में आज रोड शो कर दुई युव नेता अखिलेश यादव जयंत चौधरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गाजियाबाद में कबीरनगर प्रचार कर सिकंदराबाद में जनसंपर्क जात्रा बाहरी प्रियंका घर घर बुले कांग्रेस प्रार्थी भोट भिक्षा कर देखते। यूपी रे आज महाप्रचार डे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमुची प्रचार कहीं 10 तारीख में 58 आसन रे मतदान ये आसन रे सबु राजनीतिक दल जोरदार प्रचार चल बीजेपी प्रार्थी खोद केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और तंको टीम प्रचार जोरदार कर बुलंदशहर अनुपसर विधानसभा आसन में आज बीजेपी प्रार्थी भोट भिक्षा कर अमित शाह जनसभा को संबोधन करने बेले मोदी नेतृत्व में पुणि थे योगी को मुख्यमंत्री करने को आह्वान या सहित समाजवादी पार्टी खूब बर्षिंट सपा अमल में मुंड बसी माफिया योगी अमल में माफिया जेल में योगी माफिया को सीधा करदे
अखिलेश यादव को टार्गेट करने को भूली ना अमित शाह यूपी मेंट सरकार नुहे योगी सरकार जरूरी बोले शाह कहते उत्तर प्रदेश का भाग्य निश्चित करने वाला चुनाव ये 15 साल सपा बसपा बसपा सपा बहन जी और पति जी की जो सरकारें देखी है वो सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बनाकर छोड़ा आपने गलती करकर ये समाजवादी पार्टी का सरकार लाया तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे आना चाहिए क्या सपा की सरकार बनाना चाहिए क्या मित्रों 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी विरोधी मेंट समाजवादी पार्टी मध्य जोरदार शो कर सपा मुख्य अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी गत 5 दिन है पश्चिम यूपी धूमधाम प्रचार चल रोड शो सभा समिति प्रेस मीट जारी रखिंट सामली में आज रोड शो कर दुई युवनेता या पूर्व बुलंदशहर में प्रेस मीट कर मुख्यमंत्री योगी को परामर्श देखते योगी जी धमकवा बंद करूँ धमक आम डरवा लोक नुह आमको जिते धमकवे लोकों विरोध से बढ़ केवल एति यह अवसर में अखिलेश बुलंदशहर नाबालिका गणबलात्कार कथा उठाई कही यूपी में आईन व्यवस्था कौन योगी सरकार भल भाव जानते महिला को सुरक्षा दे पारि ना आज हमारे साथ कल भी होंगे पहले भी हमारे साथ थे इसलिए गठबंधन पक्का है सच्चा गठबंधन है और झूठे लोगों को हटाने का काम करेगा ये दो दल किसानों का गठबंधन है भाईचारे का गठबंधन है ये गठबंधन वो जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता है जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है जो हारने लगता है वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है आज बीजेपी हारने जा रही है इसलिए उसकी भाषा बदली है इसीलिए ठंडे गर्म की बात कर रही है मैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है जो हमारी मूल समस्या है छात्रों की नौजवानों की किसानों की हर वर्ग की अगर उनके हल निकालने हैं तो हमें इन लोगों की भागीदारी बनानी होगी और इनका सहयोग चाहिए होगा इन्हीं को फैसला लेना है 10 तारीख में यहाँ चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ा मैंडेट गठबंधन के पक्ष में ये क्षेत्र देगा 5 साल पूरा मौका जनता ने उनको दिया सबसे महंगी बिजली दी समय पे किसान को खाद नहीं दी 70 लाख नौकरी का उन्होंने बात कही थी वादा किया था वो पूरा नहीं किया इन विषयों पर जब वो घिर जाते हैं तो इस तरह से वो पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं ये उनकी बौखलाहट है ये क्षेत्र की जनता हमारे साथ बहु विलंबर हेले मध्य गतकालीठ प्रचार मैदान को ओल्लैथिबा बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गाजियाबाद कविनगर प्रचार करिछन्ते बीजेपी को टार्गेट करी कहिछन्ते बीजेपी रो नीति जातिवादी पूंजीवादी एवं संकीर्णतापूर्ण जेउथिपई धर्म नारे समाज रे हिंसा और घृणार माहौल सृष्टि होउछि लोकों को रोजगार देबारे फेल मारिछि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है प्रचार मैदान में कांग्रेस प्रार्थी को पाई प्रचार करथिबा प्रियंका गांधी खूब एक्टिव अछन्ते गत 4 दिन हला पश्चिम यूपी विभिन्न आसन में दलीय प्रार्थी को पाई प्रचार कर सिकंदराबाद जनसंपर्क यात्रा बाहरी प्रियंका घर घर बुली कांग्रेस प्रार्थी भोट भिक्षा करेस घोषणापत्र बांटुवा देखा मिली प्रचार को बाहर पूर्व प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर नाबालिका गणदुष्कर्म पीड़िता घर को जा संवेदना जनसत अभुक्त को गिरफ्त करने को दावी भी कर घटना को से हथरस गणदुष्कर्म हत्या घटना से तुलना कर ये बात सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों को पुलिस ने इत्तला किया तो पुलिस को पता कैसे चला तो बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब हमें मांगना है और इनके लिए लड़ना है क्योंकि जो हो रहा है बार बार वही चीज हो रही है बार बार इस केस में भी कह रहे हैं लड़की के ऊपर कुछ इंजाम लगा रहे हैं हाथरस में भी किया उन्नाव में भी किया बार बार यही हो रहा है पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जो अत्याचार कर रहे हैं जो अपराधी हैं उनकी तरफ खड़े रहते हैं गतकाली नोएडा रे चाय पे चर्चा करिछते प्रियंका तबे प्रथम पर्याय वोट ग्रहण 10 रे थिबा बेले प्रचार लागे हाथ रे मात्र 4 दिन एति पई सबु दल रो माळ माळ नेता पश्चिम यूपी रो कलिखंदी रे प्रचार रे माथि छते ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 7